11 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा मंडल पहाड़ी के अध्यक्ष राकेश दुबे और माझा व विधायक विनोद बिंद के नेतृत्व में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा में जन संदेश देते हुए पहाड़ी ब्लॉक प्रमुख इंद्र बहादुर मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार सोनकर, पूर्व मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार अग्रहरी, भाजपा के उपाध्यक्ष पहाड़ी मंडल प्रभारी श्री निर्मला दुर्गेश पटेल, अंकित सिंह, सोनी सिंह, अभिषेक सिंह, संजय मौर्य, अखिलेश मौर्य, सुमित सिंह आदि लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आज जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम रहा पड़री में, तो आप लोग जुलूस के माध्यम से जनता को प्रेरणा दी, जगाई, तो क्या क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जनता दिवस के इस अवसर पर जो हमारे 23 साल के सुभाष चंद्र बोस जैसे बच्चा, उसने हंसते हंसते अपने देश के लिए अपने को बलि दिया, फांसी पर। मैं इन नौजवानों को संदेश देना चाहती हूँ कि बेटा, जो नौजवान हैं, जो तिरंगा झंडा लेकर के चल रहे हैं, आज अमृत योजना की आज़ादी की बात हम कर रहे हैं, आज इन बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे, आप भी देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश नहीं तो हम नहीं। अपने देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, हम इसके लिए कोई समझौता किसी से कर नहीं सकते। इसके लिए हम अपने जान देने के लिए भी तैयार हैं। विधायक जी, आज का जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम रहा, आज जुलूस के माध्यम से आज जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो जनता को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि आज़ादी के 75 साल हो गए और हम जिस भी हवा में सांस ले रहे हैं, वो उन्हीं भी शहीदों और हमारे महापुरुषों की देन है जिसके वजह से हम ले रहे हैं। और जो सरकार जो इस मुद्दे पर हम लोग लड़े भी थे कि राष्ट्रवाद, सुशासन, तो राष्ट्रवाद को हम दिखाने के लिए और एकता और अखंडता को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग तिरंगे झंडे भी गली गली में प्रभात फेरियां भी हो रही हैं और घर घर पर जो तिरंगा झंडा लगाया जा रहा है। जो सरकार का मंशा है, जो 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसमें आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार की मंशा जो है जनता के अनुसार होती है। जन जो समाज के निचले पैदान पर खड़े हैं, जो हमारे इतिहास को नहीं जानते, हमारे संस्कृति को नहीं जानते, हमारे वीर शहीदों के बलिदान को नहीं जानते हैं, जो आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, उन सारी चीज़ों को हम लोग जन जन तक पहुंचाना है और अपनी संस्कृति और सभ्यता को बना कर रखना है, तब जाकर हमारे बच्चों में एक देशभक्ति क्रिएट होगी और हमारे बच्चे जो है देश के प्रति समर्पित होंगे।